अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ईमानियात और इबादात, ठीक है। और हम ईमानियात का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फर्स्ट टॉपिक तकदीर पर ईमान डिस्कस करेंगे। तकदीर किसको कहते हैं और तकदीर पर ईमान क्या कहलाता है? तकदीर का मतलब होता है मुकर्रर करना और तय करना, ठीक है। तकदीर का मतलब होता है मुकर्रर करना या फिर तय करना, ठीक है। अब देखें कि तकदीर का लुगवी माना है मुकर्रर करना और तय करना, और दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की चाहत के मुताबिक होता है और उसके इल्म व हुक्म के मुताबिक होता है। तो अकीदे तकदीर की अहमियत यह है कि अकीदे तकदीर पर ईमान लाना दीनी इस्लाम का जो है वो एक बुनियादी सतून है, और इसका इनकार दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात से इनकार के मुतरादिफ है कि अगर आप इस पर ईमान लाएंगे तो ही आप दीन पर ईमान ला रहे हैं, ठीक है। ईमान ये है, अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईमान ये है कि तू अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके आखिरत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाए, ठीक है। तो तकदीर पर ईमान लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सबसे पहले जब है वो कलम पैदा किया, ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कायनात की तकदीर को आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 पहले तहरीर फरमा दिया। तकदीर की इकसाम है तकदीर मुबर्रम और तकदीर मुअल्लक, ठीक है। तकदीर मुबर्रम और तकदीर मुअल्लक। अब ये जो तकदीर मुबर्रम है उससे मुराद है कि जो अल्लाह ताला का आखिरी फैसला है जिसको अल्लाह ताला के हुक्म से लोह पे महफूज कर लिया गया, वो अल्लाह का आखिरी और अटल फैसला है। और तकदीर मुबर्रम जो तकदीर मुअल्लक है उससे क्या मुराद है? ये तो अल्लाह ताला का आखिरी फैसला है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये दुआ से बदल जाने वाली तकदीर है, ठीक है। अब अल्लाह ताला जो चाहता है मिटा देता है और साबित रखता है, और उसी के पास असल किताब है। इसी तरह आप सल्लम का फरमान है कि दुआ तकदीर को टाल देती है, तो आप दुआ करेंगे तो आपकी जो है वो तकदीर भी वैसे वैसे बदल जाती है। हदीस में आता है कि सुलह रहमी और अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करने से रिज्क और उम्र में भी इजाफा होता है। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अनकरीब तुम वो बातें याद करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, और मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, बेशक अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है, ठीक है। हमें अपने मामलात की बेहतरी और मुश्किल से निकलने के लिए अपने नेक अमाल जारी रखने चाहिए और अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। अब जो तकदीर इस तरह की तकदीर होती है, कुछ इंसान जो है ना वो पहले जो थे वो तकदीर पर ईमान नहीं रखते थे, तो ये लोग जो थे ना तकदीर इलाही में उनका कोई अमल दखल नहीं था, तो ऐसे जो लोगों को कहते हैं कुदरिया, ठीक है। तो इसके मुकाबले जो ऐसा ग्रोह जो तकदीर पर ईमान रखता था तो वो उनको कहते हैं जबरिया, ठीक है। तो अभी ये दो टर्म्स है, कुदरिया और जबरिया, ठीक है। ये जो है ऐसे लोग हैं जो तकदीर पर ईमान रखते, तकदीर पर ईमान नहीं रखते, और ये ईमान रखते, ठीक है। आगे देखते हैं, इंसान जो है वो तदबीर का पाबंद है। अब तकदीर के बाद तदबीर आ जाती है। तदबीर क्या होती है? तदबीर वो होती है कि वो आप अपने लिए खुद वसाइल पैदा करते हैं। जैसे आपने कहीं ट्रैवलिंग करके जाना है, आपको गाड़ी की ज़रूरत, तो आप अपने लिए खुद वसाइल पैदा करें, आप गाड़ी पर जा रहे हैं, गाड़ी मंगवा रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो ये तदबीर इंसान खुद करता है। लेकिन तकदीर वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से लिख दी गई है, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो है वो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें रहते हुए इंसान को अमल और इरादे की जो है वो आज़ादी भी अता फरमाई है। अकीदे तकदीर पर ईमान लाने से इंसान की जो शख्सियत है वो तामीर होती है। इंसान अल्लाह ताला पर जो है वो मुकम्मल भरोसा करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अल्लाह ताला की जो तालीमात है वो यही हैं, और अल्लाह ताला ने हम लोगों की जो है वो तकदीर अटल कर दी और लिख दिया हुआ है, और हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह ने जो लिखा होगा वो हमारे लिए बहुत बेहतर लिखा हो, ठीक है। तो ये थी इसकी जो डिस्कशन, ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें कुछ चीज़ें थी जो बता दी मैंने आपको। इसके अलावा आप इसको लाजमी पढ़ें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें इंशाल्लाह। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।